साल 2016 के बाद T20 वर्ल्ड कप एक बार फिर से लौट आया है और साथ ही से डिफेंड करने लौट रही है वेस्ट इंडीज। पिछली बार वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप जीता था और इस जीत के हीरो रहे थे मालन सैमुअल्स। सैमुअल्स ने कमाल की पारी खेलते हुए 66 गेंदों पर 85 रन बनाए। स्टार्स के फेल होने के बाद भी उनकी इस पारी ने विंडीज को मैच में बनाए रखा और फिर अंत में कार्लोस ब्रैथवेट ने 10 गेंदों पर 34 मार विंडीज को विश्व विजेता बना दिया। हालांकि इस बार जहां सैमुअल्स रिटायर हो चुके हैं तो वहीं ब्रैथवेट को टीम में एंट्री नहीं मिली। ऐसे में अगर कैरिबियन टीम धमाल करती है तो निश्चित तौर पर उनके फैंस को अपने सुपरस्टार्स में से कुछ नए हीरोज देखने को मिलेंगे और जाहिर तौर पर जो विंडीज के लिए हीरो बनेंगे वो दूसरी टीमों के लिए खतरा होंगे। और इस वीडियो में बात ऐसे ही 5 क्रिकेटर्स की जिन पर दूसरी टीमों की करीबी नजर होगी। कायरन पोलार्ड वेस्ट इंडीज के कैप्टन हैं। बैटिंग के साथ बॉलिंग और कमाल की फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। IPL में सालों से मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं। पोलार्ड के लिए IPL 2021 का सीजन अच्छा गया है। इस साल उन्होंने मुंबई के लिए 13 पारियों में 245 रन बनाए। पोलार्ड ने ये रन 148.48 के स्ट्राइक रेट से बनाए। ये सीजन किसी भी बल्लेबाज का मुंबई इंडियंस के लिए बेस्ट स्ट्राइक रेट रहा। IPL 2021 में पोलार्ड का हाईएस्ट स्कोर 87 रन नॉट आउट रहा। साथ ही उन्होंने बॉलिंग में भी जरूरत के वक्त अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया। IPL 2021 के एक ही ओवर में KL राहुल और क्रिस गेल को निपटाने के बाद पोलार्ड ने अपनी बॉलिंग पर कहा था, मेरे पास पेस नहीं है, मेरे पास स्पिन नहीं है, मेरे पास स्विंग नहीं है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा दिमाग है। हालांकि पोलार्ड भले ही विनर बनकर अपने बारे में ऐसी बात कह रहे हो, लेकिन दुनिया जानती है कि उनके पास अच्छे खासे दिमाग के साथ भरपूर टैलेंट भी है। तभी तो वो T20 क्रिकेट में 10,000 रन और 300 विकेट पूरे करने वाले इकलौते क्रिकेटर हैं। ड्वेन ब्रावो, DJ ब्रावो चैंपियन, पूरी दुनिया में घूम घूम कर अपने टैलेंट का लोहा मनवा चुका दिग्गज ऑलराउंडर ब्रावो डेथ ओवर्स के बेस्ट बॉलर्स में से एक माने जाते हैं। जबकि हाथ में बल्ला हो तो आखिरी के ओवर्स में छक्के बरसाने में भी ब्रावो का जवाब नहीं है। ब्रावो ने वर्ल्ड कप से ठीक पहले चेन्नई सुपर किंग्स के साथ IPL 2021 की ट्रॉफी अपने नाम की है। इस टूर्नामेंट में ब्रावो ने सिर्फ 3 पारियां खेली और इनमें 261 के स्ट्राइक रेट से 47 रन कूट दिए, जबकि बॉलिंग में तो उन्होंने कमाल किया ही। ब्रावो ने IPL 2021 की 11 पारियों में 14 विकेट निकाले और इन विकेट्स की सबसे खास बात ये रही कि ये 7.81 की इकोनॉमी और 14.42 के स्ट्राइक रेट से आए। धोनी के गो टू मैन रहे ब्रावो ने टीम की जरूरत के वक्त हमेशा विकेट निकाल कर दिए। दर्जनों टीमों के लिए 500 से ज्यादा T20 मैच खेल चुके ब्रावो के नाम 6,500 से ज्यादा रनों के साथ 551 विकेट्स भी हैं। वो गेंद और बल्ले दोनों से मैच पलट सकते हैं और उनकी यही खासियत ब्रावो को दूसरी टीमों के लिए बड़ा खतरा बनाती है। आंद्रे रसल, कमाल की टीम है वेस्ट इंडीज, मतलब बोले तो प्रॉपर T20 वाली टीम, जहां 7 से 8 बैटिंग और इतने ही बॉलिंग ऑप्शंस हमेशा ही रहते हैं और इन्हीं ऑप्शंस में से एक है आंद्रे रसल। IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के द्रे रस, डेब्यू के 5 साल में ही 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके आंद्रे रसल कमाल के ऑलराउंडर। वो गेंद को जितनी ताकत से पीटते हैं उतनी ही ताकत से उसे पकड़ने के लिए लपकते भी हैं और बॉलिंग में भी लगातार अच्छी स्पीड से बल्लेबाजों को परेशान करने का दम रखते हैं। हालांकि अपने करियर में वो चोट से काफी परेशान रहे और इसके चलते उन्हें कई जरूरी मैचों से बाहर भी बैठना पड़ा। ऐसे मैचों में हाल ही में हुआ IPL 2021 का फाइनल भी शामिल है। हालांकि पूरी तरह फिट होने पर वो किसी भी दिन मैच में जान ला सकते हैं। 382 T20 मैचों में 4,405 रन बना चुके रसल के नाम 340 विकेट्स भी हैं। दर्जनों T20 टीमों के लिए खेल चुके आंद्रे रसल निश्चित तौर पर इस वर्ल्ड कप में विंडीज के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। रॉस्टन चेज, लंबे कद के ऑलराउंडर हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग के साथ ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। हाल ही में खत्म हुई कैरेबियन प्रीमियर लीग में धाकड़ फॉर्म में थे। CPL 2021 में चेज ने 12 पारियों में लगभग 50 के एवरेज के साथ 446 रन कूट डाले। इस टूर्नामेंट में उनसे ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाए हैं। CPL 2021 में 4 पचासे मारने वाले चेज ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 35 चौके भी जड़े।
साथ ही उनके नाम 24 छक्के भी रहे। हालांकि उन्होंने अभी तक वेस्टइंडीज के लिए T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं, लेकिन उनकी प्रचंड फॉर्म को देखते हुए निश्चित तौर पर उन्हें मौका मिलना चाहिए। ओवरऑल T20 मैचों की बात करें तो चेज के नाम 26 T20 पारियों में 44 के एवरेज से 748 रन है। साथ ही उन्होंने 6.23 की इकोनॉमी से 19 विकेट भी अपने नाम किए हैं। यूए की स्लो पिच पर चेज की स्पिन बॉलिंग भी विंडीज के बहुत काम आ सकती है। क्रिस गेल, T20 के दिग्गजों की बात हो और यूनिवर्स बॉस का जिक्र ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए लिस्ट का आखिरी नाम क्रिस्टोफर हेनरी गेल उर्फ क्रिस गेल। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अपना लोहा मनवा चुके गेल निर्विवाद रूप से T20 के किंग हैं। जहां भी जाते हैं रन ही बरसाते हैं। 440 T20 पारियों में 14,276 रन बना चुके गेल से ज्यादा T20 रन किसी के नाम नहीं है। T20 में 22 शतक लगा चुके गेल का स्ट्राइक रेट 145 से ज्यादा, जबकि एवरेज लगभग 37 का है। उनके नाम T20 में 1000 से ज्यादा छक्के हैं। इस मामले में वो बाकी बल्लेबाजों से कोसों आगे हैं। आंकड़ों की बात करें तो इस मामले में दूसरे नंबर पर मौजूद पोलार्ड के नाम 758 छक्के हैं। ऐसे में गेल निश्चित तौर पर दूसरी टीमों के लिए खतरा बन सकते हैं। अब जाते जाते एक काम की बात, वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, हर मैच से पहले जुड़िए हमारे प्री लाइव में और हमारे साथ बनाइए अपनी टीम प्लेयर्स स्पॉट पर। यहाँ टीम बनाकर आप हर रोज 10 करोड़ तक जीत सकते हैं। साथ ही गेम समझकर सेकेंड इनिंग्स में भी अपनी टीम बना सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के लिए रिसर्च और स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने, कैमरे के पीछे है दीपक, मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स की खबरों के लिए जुड़े रहिए दी ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।